नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सिरोंज के हाई स्कूल प्रांगण में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मंगलवार को 166 जोड़े हिंदू रीति रिवाज के साथ परिणय बंधन में बंधे, वहीं 84 जोड़ों ने मुस्लिम रिवाज के तहत निकाह कबूल किया। इस तरह इस आयोजन में 250 युवक युवती ने अपना नया जीवन शुरू किया, जहां पंडितों ने वैदिक मंत्रों को पढ़कर विवाह संपन्न कराए, वहीं काजी ने निकाह कबूल करवाए। इस दौरान नगर पालिका के तमाम अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा क्षेत्र के लाडले विधायक उमाकांत शर्मा, प्रदेश मंत्री विश्वास सारंग, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तमाम पार्षद और जिला प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। इस दौरान समय जगत की टीम ने नव दंपतियों से मुलाकात की और आयोजन के विषय में जाना। चारों तरफ गूंज रही है शहनाई, पिता की खामोशी और मां के आंसू दे रहे हैं विदाई। नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आज हम आए हैं हाई स्कूल के प्रांगण में और यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। ये आज तकरीबन 84 निकाह है। अरे, हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं इस बात की कि उन्होंने इस काम को चालू किया। ये गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा काम है। हमारे विधायक जी और जो मुख्यमंत्री, हमारे वजीर आला जो इस काम को कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। ये तो होता रहना चाहिए बराबर। ये हर वक्त हमारे गरीब बच्चों की शादियाँ इस तरीके से हों, बहुत फ़ायदे की चीज़ है भाई, करना चाहिए। सरकार का एक बहुत अच्छा काम है, क्योंकि जो गरीब आदमी विवाह अपनी बेटियों का नहीं कर पाते हैं, वो करने का कि सोचते भी है तो भारी खर्चे आजकल हो गए हैं, इतना खर्च वो नहीं उठा पाते। और सरकार ने एक बहुत अच्छा संकल्प लिया है, विचार किया है, और पिछले लगभग मैं बताऊं कि 2007 से ये कार्य प्रारंभ किया है सरकार ने, और सरकार का बहुत सराहनीय कदम है, गरीबों के हित में है, जनता के हित में है, बहुत अच्छा काम है ये। फिजूल खर्ची ये बड़े लोगों का एक दिखावा है, और आज का जो फैशन चल रहा है दिखावे का, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। वास्तविकता से अगर करें, सही ढंग से अगर काम करें, तो ये फिजूल खर्ची उनकी भी बचे और जो पैसा बचे वो बेटा और बेटी के काम में आए। आम लोगों से मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के इस आयोजन का लाभ उठाएं, इस योजना का लाभ उठाएं, और अलग से भी जो करते हैं उनसे भी मेरा यही कहना है कि अधिक से अधिक फिजूल खर्ची को रोकें। यही आम जनता को मेरा सरकार को धन्यवाद देंगे, हमारे गरीब लोगों की शादी करा रहे हैं। हाँ, हाँ, बहुत सुविधा है, नन्हे परेशानी। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा योजना बहुत अच्छी है। वो गरीब लोगों को अच्छी वो योजना प्रदान कर रही है, जिससे कि हमें वो कन्यादान कर रही है, हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, हम उसके दिल से धन्यवाद कहते हैं। उनका धन्यवाद है जो उनने सम्मेलन भरवाया गरीबों का। सब गरीब लोगों का अच्छा, हमारे पास घर रहने को नहीं है, ये सम्मेलन मामा ने भरवाया, नाना ने, तो ये अच्छा हो रहा है। हम बहुत खुश हैं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहुत अच्छी सुविधा आई जी, निकाह योजना की जो व्यवस्था है। हाँ, पूरी फुल जी। कोई चीज की आपको यहाँ पर कमी समझ में आती है? नहीं, कुछ नहीं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, आप लोगों को, कि आपने बहुत अच्छा। मामा के लिए क्या कहना चाहेंगे? मामा जी के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मामा जी ने जो योजना अच्छी निकाली है, निकाह योजना की। मामा तो अच्छे ही काम करते हैं बेटियों के लिए। मामा के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, शिवराज सिंह मामा, जिन्होंने इतना सारा अरेंजमेंट आप लोगों के लिए किया है? हाँ, अच्छा किया है सबके लिए, सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और क्या चेक में की व्यवस्था भी रखी है। आपका निकाह हो गया जी, आप खुश हैं जी? बहुत अच्छा लगा वो सम्मेलन गरीबों के लिए करा उन्होंने, अच्छी बात है। गरीब हर बच्चा हर बच्ची निपटे हर गरीब की, अच्छा लगा हमें। तो इससे क्या फिजूल खर्ची भी बचती है? बस बहुत। तो इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए, होना चाहिए हर साल, होना चाहिए हर साल, होना चाहिए हर साल, इतना होना चाहिए गरीबों के हित में होना चाहिए। तो ये गरीबों के हित में कार्यक्रम है, इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं आपको मिली हैं? अरे, बहुत बहुत व्यवस्थाएं मिली हैं, फजूल खर्ची बहुत बचा इससे, बहुत फजूल खर्ची बचा, बहुत अच्छी व्यवस्था है मामा जी के लिए, अच्छी बात है, होना चाहिए हर साल, दोबारा मामा की आना चाहिए सरकार। चलिए, किसकी नहीं आएगी वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर लगभग 250 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है, जिसमें 166 जोड़ों ने विवाह संपन्न कराया और 84 जोड़ों ने निकाह कबूल किया है। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन गौरव सोनी के साथ जितेंद्र जैन घेतल की रिपोर्ट। खबर समय जगत के लिए सिरोंज से सहयोगी अब्दुल कवि के साथ जितेंद्र जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
एंड प्रेस द बेल आइकॉन।